अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हो सब कह रहे ऐसे होंगे तो आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही आसान टेन मिनट कोल्ड डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी जैसे कि बस अब बहुत ही जल्द गर्मियां जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं ऐसे में ये ठंडा ठंडा मज़े का बहुत ही क्रीमी डिज़र्ट जो है वो आपने लाजमी ट्राई करना है तो इसका जायका कैसा है खाने में ये कैसा है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने ले लेना है दो कप के जितना मिल्क और इसको ये कि बस हमने कोई पकाना नहीं है जस्ट बॉयल ही करना है यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है दो टेबल स्पून की जितनी छीनी हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा इलायची का पाउडर जो कि इसको देगा एक बहुत ही अच्छा जायका और ये ऑप्शनल है Uh, मैंने लिया दो टेबलस्पून मिल्क वर्म मिल्क और उसमें मैंने एक चुटकी जाफरान जो है वो मिला दिया था और आप अगर ये स्टेप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं तो जब दूध को एक बॉयल आ जाए ना तो बस बॉयल आने के बाद आपने मज़ीद इसको पाँच मिनट पका लेना है इस रेसिपी के लिए आप पहले से बॉयल किया हुआ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और अगर मिल्क जो है वो बॉयल नहीं भी है तो वही जो स्टेप है आप बस फॉलो कर लीजिए कि उसे पहले बॉयल कर लें और फिर जब बॉयल हो जाए तो बस मजीद इसे पाँच मिनट पका लें तो ये मिल्क का मिक्सचर जो है वो तैयार है इसे हम चूल्हे पर से हटा लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे उतनी देर यहाँ पे ये है मेरे पास एक कप की जितनी विप क्रीम और इसको थोड़ा सा बढ़ा लें इसमें लाइक टू थ्री टेबल स्पून एक्स्ट्रा जो है वह मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ़ाइव uh, टेबल स्पून के जितनी आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी और सिंपल इसको आपने बीट कर लेना है इतना कि ये थिक हो जाए तो अगर uh, जिन लोगों को आसानी से विप क्रीम uh, नहीं मिलती तो अल्टरनेट में आपको बता देती हूँ कि जो मिल्क पैक की ऑल्पर्स की टेट्रा पैक क्रीम आती है आप वो यूज़ कर सकते हैं और जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं वो अमूल की क्रीम यूज़ कर सकते हैं और बाकी ये है कि टेक्सचर सेम तो नहीं आएगा लेकिन जायका बहुत अच्छा ही मिल जाएगा आपको एनीवेज अब यहाँ पे ये है मेरे पास आ, पापे यानी कि रस्क ये सूजी वाले हैं मुझे बहुत पसंद है और साथ में इलायची का फ्लेवर भी है तो आपने कोई भी ऐसे रस्क ले लेने हैं जो इलायची वाले हो मतलब कार्डमम फ्लेवर वाले तो वो इस रेसिपी के साथ बेस्ट आ, उसका कॉम्बिनेशन रहेगा लेकिन अगर ना मिले तो फिर बस आपने रस्क ले लेने हैं तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ग्लास डिश है तो जो मिक्सचर हमने अभी तैयार किया था मिल्क का वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए नॉर्मल सा हो जाए ना तो बस इसमें फिर हमने ये जो रस्क है ये एक एक करके डिप करते जाना है और जल्दी से आपने डिश के अंदर इसकी पहली लेयर जो है वो लगा देनी है और आ, मैं जो हूँ ये ओवल डिश यूज़ कर रही आप राउंड भी कर सकते हैं स्क्वायर भी कर सकते हैं एक्चुअली स्क्वायर ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि ये जो रस्क है ना ये चकोरी हैं और सॉरी रेक्टेंगल शेप है तो वो स्क्वायर में ज़्यादा इजीली आपको फिट हो जाएंगे अच्छा अब चूंकि मिल्क मिक्सचर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया है तो आ, फोर फाइव टेबल आपने एक्स्ट्रा भी इस तरह से ऊपर से पोर करना है ताकि ये जो रस्क है ना वो अच्छे सॉफ्ट हो जाए सिंपल यहाँ पे सेकंड लेयर जो है वो वह क्रीम की जाएगी जो कि अभी हमने तैयार की थी अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो कुटे हुए बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं मैं नहीं कर रही और क्रीम को आपने हाफ एंड हाफ कर लेना है तो ये एक लेयर जो है वो मैंने ऐड कर दी है और उसको पूरा इस तरह से स्मूथ कर लीजिए और दोबारा से वही स्टेप हमने अब रिपीट कर लेना है कि रस्क जो है वो मिल्क के मिक्सचर में आपने डिप करते जाना है और पूरी इसकी थर्ड लेयर दोबारा से रस की आ जाएगी और भी मज़े मज़े की आसान रेसिपीज के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोग मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और खासकर मीठों के लिए फिर आपको पता है कि ये चैनल सभी का बहुत फेवरेट है तो सेम चीज़ मैंने की कि एक्स्ट्रा थ्री फोर टेबल स्पून जो मिल्क था वो मैंने रस के ऊपर ऐड किया अब बाकी की जितनी बची हुई विप क्रीम है वो पूरी आपने ये लास्ट लेयर उसकी ऐड कर देनी है और इसको स्मूथ कर लें किसी भी दावत में या आप बना के रख दें मैं आपको बताऊं उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें रस्क यूज़ किए हैं ये इतना मज़े का डिज़र्ट है उनको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा प्रॉपर एक केक बेक किया है और उससे आपने मीठा तैयार किया है ये बहुत ही इम्प्रेस करने वाला मीठा है क्योंकि दिखने में भी बहुत खूबसूरत है अच्छा यहाँ पर पैलेट नाइफ से ये मैंने रैंडम सा डिज़ाइन बना दिया डिज़ाइन बनाते बनाते ये देखें क्या हुआ तो कोई बात नहीं ज़ाहिर है मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो साथ में रिकॉर्ड भी हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है जब आप किचन में काम करते हैं तो इट गुड हैपन एनी वेज़ डिज़ाइन मैंने बना लिया है और टेक्स्चर से देखें uh, किसी भी मीठे की ना लुक इंहेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा फ्लैट से ना वो उठता नहीं है तो आखिर पे बस ये uh, कटे हुए बादाम और पिस्ते से आप इसको गार्निश करें और गुलाब की पत्तियाँ ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ साबित होती है कि कुकिंग जो है ना वो आपको सेल्फ़ अवेयरनेस देती है आपको खुशी देती है आप रिलैक्स फील करते हो और मतलब इसका बहुत इम्पैक्ट है आपके बिहेवियर और मेंटल हेल्थ पे तो मुझे पर्सनली अच्छा खाना बना के कोई भी नई रेसिपी क्रिएट करके बहुत अच्छा लगता है क्या आपको भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मीठे को मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए ओवर नाइट यहाँ ये नेक्स्ट डे की वीडियो अब आप लोग देख रहे हैं लाइव फ्रॉम कैनाडा और बस अब मैं इसका एक स्लाइस कट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि खाने में जायके में कैसा है और मुझे एक्चुअली अब भी एकदम याद आया तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पे ही अपने सारी जो YouTube फैमिली है उसको यहाँ जवाब दे देती हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई जो मैजिकल ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है या बाकी के भी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से बाय करने हैं तो आपको स्क्रीन पे अभी जो है वो नंबर भी नज़र आ रहा होगा और वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम जो कि है होम आइंदा किचन वहाँ पर भी आके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अमेजोन यू और कैनाडा पर भी ये अवेलेबल हो चुका है और प्रोडक्ट्स के फीडबैक और रिव्यूज़ जो हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे अच्छा मैंने आ, मिल्क मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा होल्ड कर लिया था बच भी गया था तो ये भी एक आइडिया है फॉर प्रेजेंटेशन एज़ वेल कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा ये मिल्क तैयार करें तो सर्व करने से पहले आप ये इसके ऊपर लाइक केक ही समझ लीजिए इसके ऊपर आप पोर कीजिए इन्जॉय कीजिए और खाने में जायके में आपको थ्री मिल्क केक का तो मालूम ही होगा तो ये उससे बहुत मिलता जुलता है प्लस ठंडी ठंडी मज़े की जो हम रसमलाई खाते हैं ना इसका जायका उससे भी आ, मतलब सिमिलर है तो वो अब आप लोग जब बनाएँगे खाएँगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा बट फॉर श्योर जब आपने इसका पहला बाइट लेना है तो आप लोगों ने भी कहना है होम मेड इज़ द बेस्ट तो ये थी आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को पसंद आएगी ज़रूर ट्राई करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दो हम याद रखें अल्लाह हाफिज़